शांति। आज की तारीख है 25/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हमें सच्चा सोना जैसा बना रहे हैं। उसके लिए हमें बाबा क्या क्या मधुर शिक्षाएं देते हैं, आइए सुनते हैं कि मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशुक है, बाकी सब उनके आशिक हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, ज्ञान सागर से बादल भर फिर जाए वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। नंबर दो है, श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान शिव सतगुरु पिता का, विशेषता देखने वाला चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हरेक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ भी दिखाई न दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है, तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है, परचिंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।